खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रायपुर में कांग्रेस के 85वीं राष्ट्रीय अधिवेशन की। इसमें शामिल होने के लिए देशभर से कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अधिवेशन में शामिल हो गए। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, लेकिन बैठक में यह तय हुआ कि CWC का चुनाव नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। 85वां महाधिवेशन, जिसमें तमाम बड़े चेहरे तो शामिल है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा इससे पहले उदयपुर डिक्लेरेशन के समय और उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, फिर देशभर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक अच्छा मैसेज कांग्रेस को देखने को मिला। और अब उस लीक को छोड़ना नहीं कांग्रेस पार्टी चाहती, उसको बरकरार रखना चाहती है। वर्किंग कमेटी की बैठक, कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि 90% सदस्य चुनाव के पक्ष में नहीं थे और इसीलिए सर्वसम्मति से अधिकार नॉमिनेशन का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया कि CWC के चुनाव नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में ये अधिकार होगा कि वो सदस्यों को नॉमिनेट कर पाए और सर्वसम्मति से अधिकार दिया गया। अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के संविधान को लेकर भी संशोधन किया जा सकता है ये भी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुके वहां पर पहुंच रहे हैं। आपने इससे पहले तस्वीरें भी देखी होंगी, वहां पर बकायदा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें राजस्थान सरकार की बेहतर मैनेजमेंट, भले वो कोविड मैनेजमेंट हो या फिर हाल ही में पेश किए गए बजट से पहले जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में भी बातें किया करती है, वो कितना मॉडर्न साबित हो रहा है और दूसरे राज्यों में किस तरह से कांग्रेस उन मॉडल उन फ्लैगशिप योजनाओं को बता करके कांग्रेस पार्टी के हित में और एक बेहतर माहौल बना सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा हिमाचल के चुनाव में होता हुआ हमने देखा। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल चुनाव में बनी। कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन है छत्तीसगढ़। रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी भी पहुंच गई, राहुल गांधी भी पहुंचे, जिस समय पहुंचे उस समय की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पर, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अगवानी के लिए सीएम अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगवानी के लिए केसी वेणुगोपाल वहां पर साथ में और सभी ने फिर एक जाजम पर बैठकर इस चीज की जरूरत को जब समझा। और अब देखिए कल संबोधन सोनिया गांधी का भी रहेगा और राहुल गांधी 26 फरवरी को संबोधित करेंगी। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में आज मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन रहा। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए और तब यह अधिवेशन मेरे गृह राज्य कर्नाटक में हुआ था। उस समय में कांग्रेस को गरीब, कमजोर तबकों, गांव देहात, नौजवानों को एक साथ जोड़कर एक आंदोलन बनाने के लिए जाना जाता था। आंदोलन बनाते भी इस तरह से थे, लेकिन 100 साल के बाद उसी संकल्प की एक बार फिर से जरूरत आन पड़ी है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, देश भर से सभी बड़े कांग्रेस के चेहरे वहां पर पहुंचे और राजस्थान से भी सीएम अशोक गहलोत पहुंचे वहां। क्योंकि देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो आप रोज खबरों में चलाते भी हैं और देखते भी हैं और कुछ चीजें चलाना चाहते भी हैं और चला नहीं भी पाते, आपको मालूम है क्या हो रहा है। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसका राष्ट्र निर्माण में एक योगदान रहा है कहना बहुत ही मुझे लगता है गलत होगा। राष्ट्र और कांग्रेस पार्टी इकट्ठे बड़े हुए हैं। भारत और कांग्रेस पार्टी, दे आर इंटरट्वाइंड टुगेदर। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास तौर पे जब सरकारें मीडिया का मुंह बंद करने पर आमादा हो जाती हैं, विपक्ष की आवाज दबाने पर आमादा हो जाती हैं, बेरोजगारी पर सवालों के जवाब नहीं देती, महंगाई पर सवालों के जवाब नहीं देती, अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं चाहते, चीन आपके बॉर्डर्स के भीतर घुसता चला जा रहा है उस पर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, उल्टा आप अपने ही देश के मीडिया, अपने ही देश के रक्षा विशेषज्ञ, अपने ही देश के सेवानिवृत्त फौज के अधिकारियों, अपने ही देश के विपक्ष को लाल आंख दिखाते हो। लाल आंख दिखानी कहीं और थी आपको। और अब तो आपने देखा इसी हफ्ते जयशंकर जी ने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू पढ़कर FM का फुल फॉर्म ही बदल गया। FM को हम नॉर्मली कहते थे फॉरेन मिनिस्टर,
फेल्ड मिनिस्टर का दर्जा एफएम को अब उन्होंने खुद दे दिया, हमने नहीं दिया। जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि चीन तो भाई बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे आंख दिखा सकते हैं। ये भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन बहुत बड़ा है, हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। इंदिरा जी के वक्त बांग्लादेश की जब लिबरेशन की वॉर चल रहा था, अमेरिका ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की थी। इंदिरा जी के पास भी ये बहाना था कि अरे अमेरिका तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोड़िए चलिए हम पीछे हट जाते हैं। इंदिरा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। 1962 की वो बात करते हैं, हमें आजाद हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, 15 साल हुए थे। नेहरू जी भी कह सकते थे कि नहीं नहीं चीन से नहीं लड़ना, सरेंडर। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि बोलता हूं। नेहरू जी ने तो सरेंडर नहीं किया, लड़े, हम हारे लेकिन लड़े। आज बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार, एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपना सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। बातचीत हुई आमने सामने, कोई जूम पर नहीं था, और जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने अपनी राय रखी और मैंने विस्तार से आपको बताया है। मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों पर बात हुई, कांग्रेस की भूमिका पर बात हुई, जो हमारे पार्टी के संशोधन में महत्वपूर्ण, पार्टी के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हम ला रहे हैं उस पर बातचीत हुई, और इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आज जब बैठक हुई अधिवेशन के दौरान स्टीयरिंग कमेटी की, तो उसमें कई महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले तो सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर और उसके बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में नॉमिनेशन को लेकर सर्वसम्मति से अधिकार एक बार फिर से पहुंचा है। आज का दिन खास रहा क्योंकि सभी जो लोग कल तक नहीं पहुंचे थे वो भी पहुंच गए, राहुल गांधी भी पहुंच गए, सोनिया गांधी भी पहुंच गई। और क्या खास लगा आज आपको और क्या कल रह सकता है क्योंकि कल सोनिया गांधी का संबोधन भी है 11:30 बजे? देखिए, आज अभी भी बैठक चल रही है, इस वक्त मैराथन बैठक इस वक्त कांग्रेस अधिवेशन स्थल पर चल रही है। राहुल गांधी मौजूद है, सोनिया गांधी मौजूद है, एक बार वो अपने होटल गए थे फिर वापस लौट आए हैं, तो एक आ जा सकता है। अभी एक तरह से जो सब्जेक्ट अलग अलग बनाए गए हैं उन अलग अलग सब्जेक्ट कमेटियों की ग्रुप्स की बैठक है। इन ग्रुप्स की बैठकों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अलग अलग बैठकों के हिसाब से मौजूद है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग ग्रुप्स के अंदर पहला मुद्दा राजनीतिक तौर पर, अगले साल 2024 में चुनाव है तो किस तरह से केंद्र की सरकार को घेरना है, उस मुद्दे को लेकर क्या राजनीतिक तौर पर क्या रोड मैप इस साल होने वाले चुनाव पर बनाना है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें राजस्थान भी है जो कि सबसे बड़ा राज्य है कांग्रेस शासित, तो ऐसे में किस तरह वहाँ सरकार को रिपीट करने को लेकर काम किया जाना है, ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आर्थिक मुद्दा, अडानी को लेकर जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं, तो आर्थिक मुद्दे के तौर पर उस ग्रुप में सब्जेक्ट के तौर पर ये डिस्कस हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार G20 को लेकर लगातार वाहवाही जो है वो अपने नाम कर रही है और ये राजस्थान अपने देश के लिए गौरव की बात भी है, तो कांग्रेस किस तरह से इसको देखती है और कांग्रेस अब इससे ध्यान हटाने के लिए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कैसे चाइना ने भारतीय क्षेत्र पे बड़े भूभाग पर कब्जा किया हुआ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चीन और भारत के रिश्तों को लेकर एक बड़ी बात की जाएगी और नए सिरे से सब्जेक्ट इस मुद्दे पर तैयार किया जाए। किसान और खेत मजदूर एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर काम हो रहा है, किसान खेत मजदूर को लेकर, क्योंकि कांग्रेस
लगातार किसानों की बात उठाती है और किसानों के मुद्दे पर जो आंदोलन हुआ था कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया था। अब इस मुद्दे पर किस तरह सब्जेक्ट कमेटी क्या कुछ करती है, राजस्थान की सरकार ने चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार है किसानों को लेकर कई राहत भरी योजनाएं निकाली है, किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर योजनाएं निकाली हैं, तीन मुद्दों पर क्या कुछ होता है ये बहुत ही अहम बात इसमें रहने वाली है।